नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आप देख रहे हैं पीछे शायर मुनव्वर राणा। देश के जाने माने शायर हैं, लेकिन लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे, लगातार विवादों में रहे। शायर मुनव्वर राणा का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का झगड़ा ईसाई से है, यहूदियों से है। मुनव्वर राणा ने यह बात कही है न्यूज नेशन से। उन्होंने कहा है कि इस्लाम का बुनियादी झगड़ा यहूदी से और ईसाई से है, हिंदुओं से कभी भी झगड़ा नहीं रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या धर्म इजाजत देता है किसी दूसरे मजहब से इस तरीके से बुनियादी झगड़े की बात कहते हुए। क्या कुछ कहा है मुनव्वर राणा ने, सुनिए जरा। इस्लाम का जो बुनियादी झगड़ा था, है, रहेगा, वो है यहूदियों से या ईसाइयों से। हिंदुओं से कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। हिंदुओं से कभी आप देख लें आज तक, यानी यहाँ कश्मीर में 370 लगाकर हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं, मक्का मदीना, और वहाँ उनको अवार्ड दिया जाता है, वहाँ उनका ऑनर दिया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जो लोग सोचने वाले हैं वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। ये क्या मदरसे वहाँ नहीं है? मदरसे वहाँ नहीं पढ़ाए जाते हैं? तो कल न्यूज नेशन ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें पाकिस्तान में बाकायदा पढ़ाया जाता है कि यहूदी पाकिस्तानी लोगों के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। और पाकिस्तान की कुछ वैसी ही भाषा यहां पर शायर मुनव्वर राणा की नजर आ रही है, जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का तो बुनियादी झगड़ा यहूदियों से रहा है, था और आगे भी रहेगा। मुनव्वर राणा यही नहीं रुके, उनका एक और विवादित बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ईसाई यहूदियों से जो झगड़ा है वो लगातार बना रहेगा। इस्लाम का बुनियादी झगड़ा यहूदी ईसाई से है, हिंदुओं से झगड़ा नहीं रहा। लेकिन दलित मुसलमानों के एकजुट होने की बात भी मुनव्वर राणा ने कही है। उन्होंने कहा है कि दलित और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लिहाजा दलित और मुसलमान एक हो जाएं तो जुल्म बंद हो जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं मुनव्वर राणा, सुनिए जरा। देखिए, दलितों पर जितना जुल्म हो रहा है, अगर दलित के कुछ समझदार लीडर अगर आज भी पैदा हो जाएं और वो अगर दलित, मुस्लिम और सताए हुए लोग अगर एक हो जाएं, तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। और ये जो जुल्म है कि इंतहा हो रही है, ये एक साल के अंदर में ख़त्म हो जाएगी।